से आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये युद्ध कितना भीषण अभी भी होता चला जा रहा है। और इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी दो देश में अगर युद्ध होता है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसका असर जरूर पड़ता है। अब ऐसे में मैं शुरुआत करती हूं, जो लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं जो इस खबर के बारे में हो सकता है बहुत ज्यादा जानकारी ना रखते हो, तो उन्हें मैं थोड़ा पीछे लेकर चलती हूं। 7 अक्टूबर 2023, जिसका शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया, ये वो दिन होता है जब हमास की तरफ से सबसे पहला हमला किया जाता है इजराइल पर। और उसके बाद क्या था, जब वहां पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में मासूम लोगों को निशाना बनाया, इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाया, तो इजराइल ने ये कसम खा ली कि अब युद्ध शुरू हो गया है। और नेतन्याहू ने कहा कि ये युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमास का खात्मा नहीं हो जाता। अब ऐसे में बहुत लंबा वक्त बीत गया, हमने इस युद्ध में इजराइल को भी भारी नुकसान उठाते हुए देखा, तो हमास को भी, यानी कि फिलिस्तीन, जब मैं कह रही हूं तो क्योंकि वहीं से पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, फिलिस्तीन को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। अब जरा आप ये भी समझिए कि पहले जब हमास की तरफ से हमला किया गया तो इजराइल के सैनिक भी मारे जाते हैं जो वहां पर युद्ध के मोर्चे पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ आम लोगों की भी जान जाती है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोग अभी भी बंधक हैं, यानी कि जब हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को हमला किया था, जब वो जमीनी ऑपरेशन भी उनकी तरफ से जब किया गया था, तो कई सारे लोगों को बंधक उन्होंने बना लिया था। इस पर भी मैं आऊंगी, आगे आपको और जानकारी दूंगी, लेकिन जो आंकड़े अभी तक के बताते हैं ये कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब इसराइल की तरफ से भी पलटवार किया गया है तो आप यकीन मानिए कि 60,000 से ज्यादा लोग वहां फिलिस्तीन में ऐसे हैं जो जख्मी हैं, 20,000 से 25,000 लोग ऐसे जिनकी मौत हो चुकी है, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मिले भी नहीं है, यानी कि वो लापता है। अस्पताल लाशों से भर गए हैं, एक के बाद एक ये हवाई हमले और जमीन से लेकर आसमान तक हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये हमले हैं, ये युद्ध है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब युद्ध को रोकने के लिए ऐसा नहीं है किसी ने कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि इसराइल को अमेरिका का पूरा खुला समर्थन है, ये पूरी दुनिया के सामने है। इजराइल और मजबूती के साथ लड़ सके इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरी मदद की है। अब ऐसे में कई दौरे भी इजराइल में होते हैं, ये भी दिखाया जाता है, शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन क्या इजराइल को इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ा है? इसीलिए अब इस युद्ध से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है वो भी आप जान लीजिए। इजराइल को पहली बार सैनिकों के लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, 25 सैनिक ऐसे हैं इजराइल के जो मारे जा चुके हैं, और हमला हमास ने किया, यानी कि ये खुद IDF की तरफ से, जो इसराइल की सेना है उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है कि यह बहुत बड़ा हमला है जो हमास के लड़ाकों की तरफ से किया गया है। अब ऐसे में मैं आपको यह भी बता दूं कि इजराइल की सेना जो समय समय पर जमीन से लेकर आसमान तक जब युद्ध में डटी हुई है तो अपने प्लान को भी बार बार चेंज करती है, यानी कि आप वो समय याद करिए जब पूरी तरह से, खास तौर पर गाजा पट्टी, वो जगह, वो इलाका जहां पर लंबे समय से हमने संघर्ष और युद्ध होता हुआ देखा है, वहां पर यानी कि इजराइल की जो सेना है वो ग्राउंड पर उतरती है, उस पूरे इलाके को घेर लेती है। लेकिन इतना आसान नहीं था, हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर वॉर की कवरेज कर रहे थे उन्होंने हमें ये बताया, और आप तक भी कई तस्वीरें पहुंचाई आपको अगर याद हो तो, कि कैसे जो जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल की सेना की तरफ से चलाया गया वो गलियां भी बहुत छोटी हैं, यानी कि वो कई सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर जाना यानी कि मौत को आप बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि हमास के लड़ाके वहां फैले हुए हैं और वो ये जानते हैं कि आप इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, और आप जमीनी, आप सोचिए ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो तो पहले से घात लगाकर आप पर हमला कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत मजबूत किया इसराइल ने। अब जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी कि कैसे जब हमास की तरफ से हमला किया गया था तो कई सारे ऐसे लोग थे जिन्हें बंधक बनाया गया था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका ने जब दबाव बनाया, जब अलग अलग देशों से दबाव आना शुरू हुआ, तो हमास ने दावा किया कि कई सारे ऐसे बंधक जिन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन जानकारी अभी भी ये कहती है कि पूरी तरह से बंधकों की रिहाई अभी भी नहीं हुई है। अब ऐसे में जो परिजन हैं उन बंधकों के, वो समय समय पर इसराइल से लेकर अलग अलग देशों में प्रदर्शन करते हैं, मांग यही की जाती है कि कम से कम आप युद्ध जिस भी लेवल पर कर रहे हो लेकिन बंधकों की रिहाई हो जानी चाहिए। अब इस पर भी मैं आऊं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस युद्ध विराम की कोशिश की गई है, यानी कि अलग अलग देशों ने ये कोशिश की है कि ये युद्ध जो बहुत भीषण हो चला है वो किसी ना किसी तरह खत्म हो जाए, लेकिन एक तरफ हमास है जो अब जितना उस पर हमला किया जाता है वो डबल
हमले के यानी कि डबल ताकत के साथ अटैक करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमास को जो आतंकी है, जो लड़ाके हैं, उनको हमने तमाम ऐसे देश देखे जो आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, हथियार मुहैया कराते हैं, उनकी मजबूत स्ट्रैटेजी में जो प्लान करने वाले आका हैं वो दूसरे देशों में बैठे और उनको सारा ब्रीफ करते हैं, यानी कि वो और मजबूती से इस मैदान में डटे रहे, इसीलिए उनके आका भी लगातार जो उनके आतंकी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरी तरफ कौन है? इसराइल। इसराइल जो ये कसम खा चुका है, यानी कि नेतन्याहू जो कसम खा चुके हैं कि ये युद्ध विराम सिर्फ तभी हो सकेगा जब खात्मा हो जाएगा हमास का। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर युद्ध विराम होगा कैसे, क्योंकि ये तो तय है कि दोनों तरफ से लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, और खास तौर पर इसराइल में जहां पर मासूम लोगों को एक के बाद एक हमास के लड़ाके निशाना बना रहे हैं। अब ऐसे में क्या ये पहल की जाएगी किसी की भी तरफ से, क्योंकि ये तो देखकर नहीं लगता कि इसराइल अपने पांव पीछे हटाने को तैयार है ये देखते हुए कि हमास का खात्मा नहीं हुआ है, क्योंकि इसराइल इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि हमास फिर से अटैक नहीं करेगा। इसीलिए नेतन्याहू इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि चाहे किसी से रिश्ते बिगड़ते हो तो बिगड़ जाए, लेकिन युद्ध विराम नहीं होगा। लेकिन लोगों की जान जा रही है, अब इसराइल के 25 सैनिक मारे गए हैं, ऐसे में देखना यह होगा कि भीषण युद्ध अब आने वाले कितने दिनों तक चलने वाला है। लेकिन इसी युद्ध से जुड़ी हुई हर खबर, हर तस्वीर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा या इस युद्ध के बारे में आपकी क्या राय है, आप कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए। We'll be right back.